दिमाग थोड़ा सा खुलता है तो फिर लगता है कि अब नशे के लिए जुगाड़ कैसे करूं, घर में चोरी करेगा, बाहर करेगा, कहीं ना कहीं कुछ करेगा, लेकिन नशे से बाहर ही नहीं। मैंने ट्राई किया था, मैं बैंगलोर गया और वहाँ पे भी जॉब के लिए। अब उसका सबसे बड़ा रीजन है नशा। अच्छा, और भैया हमारे त्योंथर में तो मतलब नशा, अब आप तो घूमते रहते हैं पूरे त्योंथर में, तो आप देखते होंगे कि लड़के किस टाइप का नशा कर रहे हैं। उनका जीवन यापन करना मतलब एक फैमिली चल, आपके ऊपर डिपेंड हो गया। पहले ही एक फैमिली घर पे चल ही रही है, इस महंगाई में वही चला लेना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हमने भैया सुना है कि उस पे सरकार ने जमीनें अलॉट करना चालू, काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने लर्निंग पीरियड में अपने जावा, मैनुअल टेस्टिंग, ये सब चीजें ट्राई की कि उसके बाद जॉब मिल जाएगी। त्योंथर में ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे प्लॉट लेके फैक्ट्री वगैरह चला सकते हैं। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं एक झोपड़ी में। ये झोपड़ी स्थित है रीवा लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम चाय पीने वाले हैं और यहाँ के युवाओं से, इस लोकसभा क्षेत्र के युवाओं से हम चाय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है द खबरदार न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शुभम दुबे है, मैं त्योंथर क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं यहाँ धंधा बिजनेस करता हूँ। आप? मैं शुभम दुबे, मेरा भी नाम है एक्चुअली, हम दोनों दोस्त हैं और मेरा यहाँ सुहागी में स्वास्तिका रेस्टोरेंट और माउंटेन कैफे में रन करता हूँ। इट्स बीन 3 इयर्स कि वो अभी चल रहा है, रनिंग पीरियड पे है और बस वेल विशर्स की ज़रूरत है, हमारे क्षेत्र के लोग आएँ और अपना टी कॉफ़ी इंजॉय करें। तो जैसे आप देखा जाए तो एक एंटरप्रेनर है, आपने स्टार्टअप शुरू किया। हाँ, बहुत बेसिक स्टेज पे हूँ अभी। तो आप पढ़ाई वगैरह तो बाहर ही आपने किया होगा? हाँ जी, मैं भोपाल से इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ब्रांच से, RGPV से अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है मेरी। और मैं 2015 में पास आउट करने के बाद मैंने ट्राई किया था, मैं बैंगलोर गया और वहाँ पे भी जॉब के लिए। एक्चुअली मैं कोर सॉफ्टवेयर फील्ड से नहीं था, क्योंकि रीज़न बीइंग कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपेंड्स नेटवर्क इश्यूज एंड CCNA सर्टिफाइड लेवल, सो उसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने लर्निंग पीरियड में अपने जावा, मैनुअल टेस्टिंग, ये सब चीज़ें ट्राई की कि उसके बाद जॉब मिल जाएगी। अल्टीमेटली सबका यही गोल था बैंगलोर जाने के बाद कि ये IT हब है और यहाँ पे जॉब मिलनी ही है। एक मैकेनिकल इंजीनियर भी वहाँ यही सोच कर जाता है कि वो कुछ नहीं तो 6 महीने में जावा सीख जाएगा, क्योंकि कहते हैं बैंगलोर में कि ऑटो वाला भी कोडिंग जानता है। ऐसी कहावत है, ये कहावत है। तो मैं भी यही सोच के गया था, बट काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था वहाँ पे, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी और वहाँ का साउथ इंडियन फूड मेस का काफ़ी डिफिकल्ट था। 5,000-6,000 रुपये हॉस्टल की फ़ीस होती थी, उस PG में 4-5 लड़के रहते थे, तो वो थोड़ा सा माहौल बन नहीं पाया। और उसके बाद मैंने तो मतलब वहाँ के कंपेरिजन में वो सैलरी नहीं मिली कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी सको। हाँ, वो क्योंकि अब 2015 में अगर आपकी सैलरी 25,000-30,000 बैंगलोर में है तो आप एवरेज लाइफ जी सकते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आप 6,000 रुपये हॉस्टल की मेस की ही आप जमा कर रहे हो, जो मेजर तो आपकी जॉब लगेगी, तो आप कभी उस मेस में तो नहीं खाओगे, क्योंकि जॉब लगने के बाद सबसे अच्छा आप खाना ही ढूंढो और आप अपना फ्लैट लेने की कोशिश करोगे, रूममेट्स बनाने की कोशिश करोगे। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे शुरू किया अपना स्टार्टअप, कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या कठिनाई? क्षेत्र में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट सर हाईवे पे, तो एक टाउन से हट के कहीं पे होना, क्योंकि एक एकांत पे भी कह सकते हैं, सुहागी पहाड़ी पे अभी लोग इतने एक्टिव नहीं हुए हैं। 2-4 झोपड़ी में घर बना के लोग रह रहे हैं जो कि अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड से भी नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंडर में ज़मीनें हैं। वहाँ पे इतना अभी डेवलपमेंट सुहागी में हो नहीं पाया है, बाईपास की तरह कहने को, तो वो आगे चल के वो सुहागी बाईपास एक चौराहा ही बनने वाला। लेकिन अभी प्रॉब्लम जो है कि वहाँ पे इतना एक्सीडेंटल जोन है और लोगों को लूटपाट चोरी का भी डर रहता है। अब देखा जाए तो हम अपने रेस्टोरेंट की सारी लाइट्स चला के और कैमरा ऑन करके रख देते हैं कि कभी कुछ भी इनकेस ऐसा कुछ होता है तो हम कैप्चर कर पाए। हाईवे है तो और डर बना रहता होगा। अब मैं 8-10 कर्मचारियों को वहाँ पे उनका रहना, खाना, सोना, पीना सब कुछ मैं देखता हूँ, तो वो तो दिक्कत हो ही जाती है। तो कितना कठिन है अपने
स्टार्टअप, मतलब जो आपने स्टार्टअप शुरू किया है, लोग सोचते हैं कि हाईवे में मेरी जमीन होती, मैं अपना रेस्टोरेंट खोलता और करोड़ों रुपए महीने के कमाता। नहीं, कैसा आपका क्या कहना? ये सोच अच्छी है, मैं भी इस सोच के साथ ही हूँ कि मैं भी एक दिन पैसे कमाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने चालू कर लिया है तो उसमें ये सब डिफिकल्टीज देख के मुझे उसको छोड़ देना, क्योंकि कुछ भी अच्छा होने से पहले आपको सारे, हाँ मैं चाहता हूँ कि आप वो डिफिकल्टी बताओ। हाँ, तो डिफिकल्टी ऐसी हो जाती है कि जैसे आपने 4 से 5 स्टाफ रख लिए, अब उनके सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने तक, कुछ लोग तो नशा भी करते हैं, उसका भी इंतजाम करना पड़ता है, तो उनका जीवन यापन करना, मतलब एक फैमिली चल आपके ऊपर डिपेंड हो गया। पहले ही एक फैमिली घर पे चल ही रही है, इस महंगाई में वही चला लेना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो आप एक और फैमिली रन कर रहे हो कहाँ अपने बिजनेस में। और ये होटल कैफे रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसे हैं कि इसमें आपको पेशेंस लगता है 4 साल 5 साल 6 साल आपको देना पड़ सकता है, और सुहागी को जिस तरह से मैं 3 साल से देख रहा हूँ यहाँ, तो मुझे लगता है 10 साल देना पड़े। तो अगर 10 साल मैं भी खुद यहाँ पे दे दूंगा तो मैं कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे अच्छा कर पाऊं। कर लोगे अपने से। अच्छा, ये मेरी पर्सनल जमीन है। इसमें जैसे तो, देखा जाए तो सरकार की कई योजनाएं हैं जो स्टार्टअप फ्रेंडली हैं, लोन मिलते हैं बिना काफी कोलेटरल के। आपने कभी कोई चीज ट्राई किया लोन वगैरह के लिए कि और बढ़िया से अच्छे से इसको कर सको? नहीं, लोन के लिए तो अभी ट्राई नहीं किया। छोटे मोटे लोन जरूर इधर उधर से लिए कुछ, नहीं गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट इसके, नहीं इसके हिसाब से। तो अभी मैंने उद्यम क्रांति के बारे में सुना था, तो वो मैंने लॉगिन भी किया था, इन्होंने मेरी हेल्प भी की थी, तो हमने एक दिन लैपटॉप लेके बैठ के काम किया, अपलोड करने गए सारी चीज़ें, तो उसमें कुछ मतलब इश्यूज आ रहे थे, सर्वर प्रॉब्लम था या कुछ मेजर रीज़न था कि वो सबमिट नहीं हो पा रहा था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड ही सेड कि ऑफलाइन जाते हैं और वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं और वहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे और कुछ ना कुछ करके वो जल्दी प्रोसीजर में आ जाएगा। बोले ऑनलाइन में रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा कम रहे। हाँ, ज्यादा तो वो वहीं से ना वो फ्रेंड का दोबारा कॉल आया। एक और योजना जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टअप्स के लिए, कि अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो सरकार भी 5-10 हज़ार रुपये आपको देगी आप उसको पेमेंट करने के लिए, तो वो एक एडिशन हो जाएगा। तो जैसे आप किसी को 10,000 दे रहे हैं, सरकार भी 10,000 ऐड करती है, तो 20,000 महीना हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं अवेयर नहीं हूं। क्या लगता है कि ये हेल्प करेगा क्या? नहीं, हेल्प कर सकता है। जैसे अभी आप देखें तो मतलब मेरा रेस्टोरेंट जो है वो रेंट पे नहीं है, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो मेरा जो मेजर खर्च होना है रेंट होना है, तो वो अगर मैं बचा पा रहा हूँ और वहीं से मुझे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिल पा रही है या कोई ऐसा लोन मिल पा रहा है जिसपे सब्सिडी मिल पा रही है, तो मैं उसको अगर यूज करके उसको उसका स्टैंडर्ड अपग्रेड करता हूँ तो बेनिफिशियल होगा ऑब्वियसली मेरे लिए। ये क्या है ना कि लोन्स में गवर्नमेंट, जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, बातें तो सही है, अच्छी चीजें हैं, गवर्नमेंट अच्छी चीज दे भी रही है, बट उसमें इतने लूप होल्स हैं भैया कि जैसे आप अप्लाई करते हो कोई लोन, आपको इतना बैंक द्वारा या हर चीज द्वारा आपको इतना परेशान कर दिया जाता है, इतने कागज, और ये हर दिन आपसे दो कागज मंगाए जाते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर भी कर लिए हो, फिर भी बैंक ऐसा है कि बैंक आप जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि बैंक अपने से अपना पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको इतना घुमा देंगे या फ्रस्ट्रेट होकर लगेगा कि अरे यार किसी से कर्ज ले लो लेकिन लोन मत लो। तो मतलब कुल मिला के अगर योजना है भी तो इतना इजी उसको पाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन, डिफिकल्टीज बहुत है। और मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ योजनाएं खराब, योजनाएं बहुत अच्छी है, आदमी छोटे मोटे लोन है भैया, 10-20 हज़ार रुपए कोई नगर पंचायत से किसी को लोन मिला था, दोस्त दिया तो जैसे आपके लोकसभा क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में सरकार ने कई दावे किए हैं, इसी लोकसभा क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं अभी राजेंद्र शुक्ला जी, विधानसभा अध्यक्ष भी पिछले सरकार में थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, कैसी थी ओवरऑल सरकार पिछले 10 साल में अगर आप बताना चाहें? क्योंकि मैं अभी बात करूंगा स्टेट लेवल की, जो शिवराज सिंह सरकार की लीडरशिप थी, शिवराज सिंह की लीडरशिप थी, राजेंद्र शुक्ला जी की लीडरशिप के अंदर क्या क्या रीवा में काम हुआ है? काम तो हुए भैया, जैसे आपने एक आईटी पार्क देखा रीवा में बना हुआ है, वो मतलब बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि अगर आईटी पार्क रीवा में बन रहा है तो कंपनीज आएंगी लगेंगी, और दूसरा एक हमारे देवथर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया डिसाइड किया गया है घूमा कटरा, अगर वो आता है तो यहाँ के जो लोग भाग के जा रहे हैं 10,000-12,000 की नौकरी के लिए, अगर 10-12,000 उनको यही मिल जाएगा तो जो उनका रहने खाने का पूरा पैसा बच जाएगा। तो अभी ये घूमा कटरा का जो
एरिया है उसमें कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? हमने भैया सुना है कि उस पर सरकार ने जमीनें अलॉट करना चालू कर दिया है, जैसे लीज पे जमीनें अलॉट होती है इंडस्ट्रीज के लिए 100 साल 200 साल के लिए, यही डेवलपमेंट है। तो आप लोगों की जान पहचान के किसी आदमी ने वहाँ जमीन लिया है, किसी को प्लाट मिला है, अप्लाई किया है? शायद मुझे लगता है आचार संहिता की वजह से काम रुका हुआ है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि आचार संहिता और चुनाव के बाद काम तुरंत इस पे चालू, इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग हो गई। एक्चुअली नागपुर के एक इंजीनियर थे, वो हमारे रेस्टोरेंट पे आके 6 से 7 दिन रुके हुए थे, तो वो जाते थे और वो मतलब उनका काम था, वो डिजाइन बना रहे थे इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के हिसाब से, पूरा मेजरमेंट ले रहे थे कहाँ से क्या, कौन सी कंपनी मतलब की रहने के हिसाब से वॉशरूम एरिया कौन सा किधर देंगे, पानी किधर स्टोर करेंगे, तो उसका डिजाइन लेके वो आए थे। तो जैसे आप लोगों के क्षेत्र में वो औद्योगिक एरिया शुरू हो रहा है जी, तो क्या आप लोगों को जानकारी है कि अगर वहाँ पे आप कोई फैक्ट्री डालना चाहें, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहें, हाँ, तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप ले सकते हैं, क्योंकि आप तो त्योथर के हैं, त्योथर के लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए। बाकी अगर जमीन वमीन का लीज पे है तो थोड़ी बहुत जानकारी है भैया, बहुत ज्यादा तो नहीं है कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अच्छा, पोर्टल के थ्रू और उसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं आपको कि क्या कैसा है, आपको ले मतलब आपको देना है या नहीं देना है। तो क्या लगता है त्योथर में ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे तो प्लाट लेके फैक्ट्री वगैरह चला सकते हैं और ये सारी चीजें? 2-4-10 लोगों से जो यहाँ के थोड़ा पैसे वाले मैं इनको इंटरप्ट करूँगा। एक्चुअली यहाँ के लोग ऐसे हैं भैया कि मतलब यहाँ की मेंटेलिटी अभी तक जो मैंने स्टडी की है, लोग चाहते हैं कि वो उनका पैसा है जैसे, तो वो चाहते हैं कि वो 10 लाख का कोई ले जाए, इन्वेस्ट करे, उनको उसमें कोई मेहनत ना करना पड़े, उनको दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं चाहिए और आप उस पैसे से उनको चलाओ और उनको पैसा लौटाओ। तो वो चीजें लोग सोचते हैं, वो उनके पास एक प्लानिंग नहीं है इस चीज को कैसे करेंगे, वो डिपेंड है और उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि जो बाहर अभी ये सब चीजें नहीं देख के आए वो ऑब्वियसली, जैसा आप डिसाइड कर पाओगे कोई चीज बनानी है तो आप उस चीज को बाहर कहीं देख के आए हो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपने जॉब, पैसे वाले लोग त्योथर से कहीं निकले ही नहीं, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसान है, तो वो अभी सब चीजों से अवेयर नहीं, जमीने हैं, पैसा है, एक किसान घर में शादी करता है तो इतने भव्य तरीके से शादियां होती हैं, सब चीज होती है, अच्छा लगता है कि कोई पीछे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो लोग अभी अवेयर नहीं है, तो हो सकता है उनको कोई हेल्प करे कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करिए, हम आपके साथ कंपनी करेंगे, हम क्लाइंट्स लाएंगे, उसमें हम आपको इतना शेयर देंगे, आपको ये डेजिग्नेशन देंगे, तो इट फील्स बेटर टू एवरीवन। तो क्या लगता है जैसे घूमा कटरा में किस तरह की कंपनीज शुरू होनी चाहिए जिससे यहाँ के किसानों को, जैसा कि आपने बताया यहाँ किसान बहुत है, किसानों को के उत्पादन के हिसाब से आपकी राइस मिल हो गई, गेहूं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनने चाहिए, सरसों के तेल वगैरह बने, सरसों के तेल बने, तो जो यहीं से अपने यहाँ से रॉ मटेरियल अपने यहाँ से जाए तो जिससे उनको भी फायदा हो, रोजगार भी मिले, सारी चीजें, जैसे चाइना ने एग्जीक्यूट किया था 60s में, क्या किया था चाइना ने कि क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम टैक्स आपसे, जो भी बाहर की कंपनीज हैं उनसे उन्होंने कहा कि हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे, आप आओ हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। जब आप उनके यहाँ इंडस्ट्री लगाओगे, अगर आप चाइना में इंडस्ट्री ला रहे हो तो कहीं ऐसा, तो यूएस से तो आप रॉ मटेरियल लाओगे नहीं, रॉ मटेरियल भी वहीं से लोगे और लेबर सस्ते मिलेंगे क्योंकि आपको लोकल लेबर सस्ता मिलेगा, दोनों चीज़, रॉ मटेरियल का भी आपको पैसा मिला, लेबर जो आपके यहाँ की उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और तीसरी आपके यहाँ जो इंडस्ट्री लगाए हैं उससे आपके लोगों को जो चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ, किसका माहौल है, किस पार्टी का माहौल? तो लहर है वही मोदी लहर हमेशा की तरह, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और अभी जो हमारे लेटेस्ट विधायक हैं मतलब हर एक हिंदू और सनातनी हिंदू जो आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है, तो वो यही चाह रहा है कि वापस से फिर से वही भगवा लहराए और देश के चारों ओर। बस एक रिक्वेस्ट है भैया आपके चैनल के थ्रू, कहना चाहूँगा एमपी गवर्नमेंट से कि स्टूडेंट्स का ध्यान दिया जाए, पेपर्स लीक ना हो, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, एमपीपीएससी हो गई 2019 हो गया शायद, 20 से अभी तक पड़ी हुई है, एमपी टेट अभी हुआ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पटवारी हो गए, कॉन्स्टेबल हो गए, लगातार सारे पेपर का आप हालत देख रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत परेशान है इससे। क्या वजह है, क्या लगता है कि मतलब क्या सरकार खुद करवाती है या जो पावरफुल लोग हैं जो ये सब चीजें रन कर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं वही अपने फायदे के लिए करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो पावरफुल लोग हैं वो सरकार के ही, आवश्यक बात है, आवश्यक बात है, तो उनको अगर आप किसी चीज का क्रेडिट ले रहे हो, अगर मान लीजिए आप किसी गांव के राजा हैं या किसी शहर के राजा हैं आप पहले के टाइम पे, तो अगर कुछ अच्छा आप करते थे तो राजा को क्रेडिट मिलता था, और अगर कुछ बुरा होता था
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो राजा के ही होती थी। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे हमने अभी बताया हमारा इंडस्ट्रियल प्लांट लगा सारी चीजें, तो हम क्रेडिट भी भाजपा को ही दे रहे हैं। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा को ही लेके ठीक करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा क्या लगता है कि त्योंथर में जी या इस रीवा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहे हैं रोजगार को लेके, क्या 20 साल बाद यहाँ की आज जो रोजगार की समस्या है वो खत्म हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? पूरी तरह से तो नहीं भैया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि खत्म भी नहीं होगी, खत्म तो कभी नहीं होगी रोजगार की समस्या, लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन्स होंगे। मतलब जितनी अभी दिक्कत है उतनी मुझे नहीं लगता कि होगी। 60-40 का रेशियो आप कैसे क्या ऐसे काम हो रहे हैं? जैसे हम ये जो त्योथर है तो एक ये बॉर्डर पे, सबसे बड़ा इसके पास बेनिफिशियल पॉइंट यही है कि MP UP दोनों को कवर कर। जो मिड गांव के लोग हैं, जैसे जो सूरत मुंबई दिल्ली जाके काम करने जा रहा है, 6 महीने में एक बार भी घर नहीं आ रहा है, पता चल रहा है उसके घर में कई लोग 1.5 साल 2 साल में नहीं आ रहा। 50 ऐसे लड़कों को तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो यही बाहर जॉब करते थे, यही टोल टैक्स में कर हो सकता है वो टू व्हीलर बाइक लेके अप डाउन कर लेंगे या फिर आसपास रह लेंगे, हफ्ते में 2 बार घर आ जाएंगे, तो वो ये अच्छा हो जाएगा। ये टोल टैक्स खुला 50 लोग, 10 लोग यहाँ इनके त्योथर के लोग इनके रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, 10-15 लोगों को रोजगार मिला, वो 10-15 लोग भी 8-9 हजार की नौकरी कहीं बाहर कर रहे हैं। अब इन्होंने रहना खाना सब फ्री दिया है, 10 हजार उनका पूरा बच रहा है। तो जैसे ये टोल हो गया, इनका रेस्टोरेंट हो गया, ऐसी 4-6 चीजें बढ़ेंगी। मैं कहता हूँ एक आदमी अगर 2 लोगों को भी रोजगार दे पाए जिसके पास संसाधन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी ही दे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास संसाधन है लेकिन वो फिर भी नहीं दे रहे। अच्छा, बेरोजगारी मैंने ये महसूस किया कि 2 तरह की है। एक तो जो पढ़े लिखे युवा हैं जिनको जो क्वालिफाइड है और उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, एक वो भी कैटेगरी है जिनके पास ना तो क्वालिफिकेशन है और ना ही कोई इनकम सोर्स है, केवल मेहनत मजदूरी कर सकते हैं और फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से, मतलब एक नौजवान को काम करना चाहिए। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न है नशा। अच्छा, और भैया हमारे त्योंथर में तो मतलब नशा, अब आप तो घूमते रहते हैं पूरे त्योंथर में, तो आप देखते होंगे कि लड़के किस टाइप का नशा कर रहे हैं। मतलब 8th-9th-10th का बच्चा कोरेक्स पी रहा है, गोलियां खा रहा है, नींद की गोलियां ये सब खा रहा है। तो इसका रीजन ये है कि जब वो नशे में ही रहेगा तो वो दिन भर सो रहा है, नशा करके जब तक सो रहा है कुछ उसका दिमाग शून्य है, और जब वो उठता है भैया तो दिमाग थोड़ा सा खुलता है, तो फिर लगता है कि अब नशे के लिए जुगाड़ कैसे करूं, घर में चोरी करेगा, बाहर करेगा, कहीं ना कहीं कुछ करेगा, लेकिन नशे से बाहर ही नहीं। बहुत लिमिटेड, मतलब थिंकिंग, जो वे ऑफ थिंकिंग है वो नशे ने एकदम लिमिटेड कर दी, वो उतना ही सोच पा, केवल अपने नशे के लिए ही जुगाड़ करता। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या चीज प्रमोट करती है जो मतलब स्कूल के बच्चों को नशे पे धकेलती है? मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा रीजन है। आप कुछ भी करते हो, आप ये सब चीजें पहले प्राइवेटली लोग करते हैं, अभी ये एक ट्रेंड हो गया है कि हमको दिखाना है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे भी एक फीचर है कि आपको उसमें स्टोरेज, प्राइवेट स्टोरेज में कर दिया जाएगा आपको कि आप देख सकते हो, आप बेस्ट फ्रेंड्स में एक अलग से आप स्टोरी, क्लोज फ्रेंड्स का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें भी लोग आ रहे हैं कि हाँ हमारे 10 लोग जान ही जाएंगे तो क्या, वो 10 लोग स्क्रीनशॉट लेके आपके कहाँ भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है ये चीज़, और लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि मैं वायरल हो रहा हूँ, तो गलत तरीके से। हाँ, दूसरे तरीके से आप पता चल रहा है। आप और हम लोग जो है 90s किड हैं, तो हमने 2000 के पहले वाला भी समय देखा है, मतलब हम पतरी में भी खाए हैं और बफर में भी खाए। तो आपने खुद देखा होगा कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ। आज मतलब आप सिगरेट लेके और बियर लेके, दारू लेके, मतलब ऐसे डांस करके ये सब रील डालो तो अच्छे लाइक्स आ रहे हैं उसको, लेकिन आप ये जैसे आप ज्ञान की कोई बात करेंगे ना तो आपको 10 लोग देखने नहीं आ रहे। नहीं तो जैसे ये मान लो कर रहे हैं, ये ट्रेंड सेटर है, तो क्या यहाँ के आसपास के भी लोग नहीं देखते होंगे जो उनके बड़े हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे फर्क क्या है, पढ़ भी रहा है, अगर समझा भी रहा है कोई इंसान तो वो इतनी आसानी से समझ ही नहीं रहे, वो सोच रहे हैं कह रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलती कैसे हैं जब ये इतना युवाओं को बर्बाद कर रही है, और आप लोगों ने 2 ही चीजों का नाम लिया, कोरेक्स और मेडिकल दवाई, है ना? मैंने जब कोरेक्स की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो एग्जैक्टली यही 2 चीज लोगों ने बोला था कि ये 2 नशे बंद हो जाए, बाकी सब चलते रहे, उससे दिक्कत नहीं, उससे उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन आदमी मतलब जैसे लोगों ने जो बताया, अगर आदमी शराब पिएगा तो डेली 500 रुपए उसके खर्च हो जाएंगे, 500 रुपए आएंगे ही नहीं तो डेली पी ही नहीं पाएगा भाई, इतना तो कोई कमा ही नहीं रहा है। ये चीजें क्या है कि आसानी से
अवेलेबल हो जा रही हैं और ऐसा है कि घर में भी दिक्कत नहीं है। जैसे कोरेक्स क्या है कि आप पी के गए, बदबू नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये कोरेक्स और मेडिकल दवाएं नहीं करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उसका ये है कि वो उसके लिए बनी नहीं है। अगर शराब बिक रही है तो शराब कंपनी कोई बना रही है जो पीने योग्य बना रही है, कि पीने योग्य बना रही है। सरकार को भी पता है कि हाँ आदमी पी रहा है तो इमीडिएटली नहीं मर जाएगा, ठीक है, उसका एक लॉन्ग टाइम बाद जो भी प्रोसेस होनी होगी होगी, लेकिन ये चीज़ तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बनाई है। मतलब चोरी छिपे है, बैन है चीज़ें, तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बनाई है उसका कैसे युवा इतना एक्सेस पा जाते हैं? ये तो गवर्नमेंट को नॉलेज होगा, अगर कोई चीज़ बैन है ऑलरेडी, अगर उसका सही यूज हो ही नहीं पा रहा है, तो अगर वो नशे के लिए है तो वो बन कहाँ रही है, और बन रही है तो आ कैसे, आ कैसे रही है यही सब दवाइयों की। और लेकिन पता नहीं क्या होता है, अब क्या है कि लूप होल्स नहीं हो तो बिल्कुल, आप भी जानते हैं कि लूप होल्स बिना तो बिकी नहीं सकते, संभव ही नहीं, प्रशासन टाइट हो जाए तो कहीं ना कहीं लूप होल्स है, कहीं ना कहीं पैसे पहुंच। तो एक ये मुद्दा है बेरोजगारी खत्म करने का, कि सबसे पहले तो जो ये अर्ली एज में नशे शुरू हो रहे हैं उनको बंद करना, ऑटोमेटिक वो रोजगार पाने के योग्य हो जाए। अच्छा, तो ये बताओ कैसे स्टूडेंट को कैसे मिलती होगी, जैसे स्कूल कॉलेज में जब तक वो है स्टूडेंट नहीं, जो बेच रहा है भैया उसको ना कोई स्टूडेंट है ना कोई कुछ है, वो सीधे आप जाइए पैसा पकड़ाइए और अपना सामान लीजिए, अच्छा। जो भी आप चले आइए, कोई नहीं रोक रहा है। ऐसी तीन चार जगह है जहाँ मिल रही है, त्योथर भैया। मोदी जी के बारे में कुछ उपलब्धियाँ बताओ, मोदी जी को पसंद करते हो तो क्यों करते हो? मोदी जी, अब अगर इस समय ट्रेंड जो चल रहा है तो राम मंदिर है, बहुत बड़ा ट्रेंड है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनाए, 500 सालों से स्ट्रगल चल रहा था। और एक उपलब्धि बता दी और एक ड्रॉबैक वही स्टूडेंट वाला मेरा रहता है, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, तो वो तो एमपी गवर्नमेंट का लीक हुआ है। एमपी गवर्नमेंट और कई सारी गवर्नमेंट है ना भैया, जैसे एमपी यूपी में जो चल रहा है कई सारे पेपर। और तो मोदी जी के बारे में क्या पसंद है, एक तो राम मंदिर हो गया, फिर मतलब उनका ओवरऑल जी का, अगर मैं बताऊं कि अगर उनकी पर्सनालिटी में मुझे क्या पसंद है, तो सबसे अच्छा मुझे पसंद है उनकी पर्सनालिटी में उनका डिसीजन मेकिंग। अच्छा, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत मतलब फास्ट है, जब उनको ये करना है तो फिर वो करना है। मतलब राम मंदिर बनाना है तो बनाना है, आर्टिकल 370 हटाना है तो हटाना है, मूवी भी आपने देखी होगी आर्टिकल 370, उसमें मतलब उनका विजन बहुत क्लियर था कि मतलब मुझे हटाना ही है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी यही लगती है, डिसीजन मेकिंग की। शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, जबकि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, भयंकर सीटें भी आई थी जो एक ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो था नहीं वो, तो फिर क्या लगता है क्यों उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया दोबारा? ये तो भैया मतलब अब उनके उनकी सरकार है, उनका केंद्र का मुद्दा है कि क्यों नहीं बनाया गया, उसका रीज़न तो वही जाना। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ मध्य प्रदेश के लिए, क्या लगता है मुझे आपको? ऐसा लगता है कि चेंज होना चाहिए। अच्छा, बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर बदलाव नहीं रहेगा तो डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं लीड करेगी। तो अभी जैसे जो आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको लगने लगेगा कि मैं सेवक नहीं राजा हूँ।